तीन डाल दी मछली है। वह मुकेश कहाँ से आ रहा है भाई? आ रहा हूँ कहीं से। अमित कहीं से आ रहा होगा? हाँ अमित कहीं से आ रहा हूँ, बता क्या बात? बात क्या, पूरा गांव को पता है यारी के नाम पे क्या गुल खिला रहा है। आज के बाद जुबान काट दी ना, जीव काट दो तेरी बाहर। बता यारी के नाम पे क्या करता फिर जा तू, सबको बता, पूरे गांव को बता। चला जा मारूंगा। अमित ना आया अभी? ना वे तो ना आए। अच्छा खीर? हाँ बन गई। खीर बन गई तो घाल ला इतने, वो आ जाएगा। आके जाऊंगा। आ लिया? अरे आ जा आ जा, बस खीर बनवा रखी है, ले आ भाई जल्दी। मैं पहले ही कह रहा था मगा इतना तो आ लेगा अमित, आ जा। ओहो कैसे सांस चढ़ रहे हैं, थक गया यार। ले खीर का। दे दे दे। अरे वाह। अभी बनाई दिख है? हाँ हाँ अभी तड़की तो बनाई है। मैं इससे कहने लग रहा था कि अमित आने वाला, तू घाल ला, इतने में तू आ गया। हाँ हाँ मुझे पता है तुम दोनों की दोस्ती दुनिया में फेमस है। और हमारी दोस्ती है ही इतनी पक्की। भाई साहब एक बात बताओ, कल मेरे भतीजे का जन्मदिन है, ये मुझे अकेली भेज रहे हैं, अकेली जाती हूँ मैं अच्छी लगूंगी? ये एक लौते दामाद है मेरे घर के। हाँ भाई जाना चाहिए बिल्कुल तुझे, क्यों नहीं जा रहा? अरे यार कल खेत में पानी चलाना है, नहीं तो एक हफ्ते को बाद जाओगी सारा खेत खराब हो जाएगा, बात किसी बट जाएंगी उसकी। अरे तो पानी मैं चला दूंगा यार, इसमें कौन सी बात है? पानी तू क्यों चला देगा, तू क्यों दुखी होगा, मैं अपने आप चला लूंगा। अरे हाँ मुझे याद आई, तू तो नहीं कह रहा था कि मैं भाभी को लेकर जाऊंगा कल कुछ सामान लाना बाजार से। अरे तो कोई उसकी कोर्ट की तारीख थोड़ी है, जो उसे कल ले जाना, परसों चली जाएगी। अरे यार मैं नहीं कह रहा था ले जाता, क्यों खामखा कर रहा है, मैं चला लूंगा पानी, या अकेली चली जाएगी तो क्या आफत आ जाएगी। अरे यार तू बकवास मत करे, चाप भी देके जा शांति से, मैं चलाऊंगा पानी और तू भाभी को लेके जा। चल ठीक है जैसी भैया थारी दोनों की मर्जी, चाप भी दे दिए इसे। तो दो मजदूर हम मिल वाले कल को नलाई करनी करनी भाई साहब, अब वहां से आ रहे हैं बिहार से। चाचा राम राम। हाँ भी सुभाष, विजेंद्र सुबह कैसे पिटाई होगी तुम्हारी दोनों की? यार हम दोनों में शर्त लग गई थी कि उनकी यारी में फूट डलवानी। अब तुम उन दोनों के बीच में कैसे पड़ गए, पूरा गांव जाना उनकी यारी कोई ना तोड़ सकता, उन जैसी यारी तो आठ गांवों में ना, और तुम जैसों की औकात क्या जो उसमें खटास घेर दो। खटास तो जरूर आएगी, हमने बड़ी बड़ी यारी तोड़ती दिखी है, एक दिन तो इनकी भी टूटेगी यारी। ठीक है उस दिन का इंतजार करो। चाचा राम राम। अच्छा वो कल बाजार जाना था ना, तो कल ना जा पाएंगे भाई, परसों चलेंगे। ठीक है अब क्या हो गया, मुश्किल से तो तुम राजी हो, उसमें भी नाट जाओ। अरे मुकेश कल को अपनी ससुराल जाएगा तो मुझे उसका पानी चलाना पड़ेगा, और मैंने अगर कल पानी ना चलाया ना तो फिर एक हफ्ते को बाद चली जाएगी। तो हमें क्या मतलब? मतलब कैसे ना है हमें, तुम्हें अपना काम तो दिखता ना, दूसरों का करने लगो। अरे काम उसका हो चाहे मेरा हो, एक ही बात है हमारी दुनिया में, कोई ऐसा ना जिसकी एक बात हो। ये यारी दोस्ती सब मतलब की है, कुछ ना धरा इन बातों में। तुझे हर जगह मतलब ही दिखाई दे भाई, हमारी दोस्ती में कोई ऐसी बात ना है, और तुझे जो भी समझना है तू समझ। ठीक है कल तो मैं उसका पानी चलाऊंगा, परसों ही जा पाऊंगा बाजार। ठीक है ना? ठीक है तो तुम अपनी यारी दोस्ती निभाओ। अरे मेरी तो पूरी चल गई। लवली। हाँ जी। अरे आटा ले आया भाई मैं, और मैं जा रहा हूँ मुकेश का खेत बनने में, तो लेट हो गया। ठीक है अमित, अमित परी दिखे अमित, अमित कहाँ है भाभी? भाई साहब वे तो सुबह ही चले गए आपका खेत भरना, आपको पता ना।
अच्छा हाँ बस मैंने भी देखना है तो तड़की के जा रहे। इसे कैसे हार दे रखे आयु यार, रोन लग रही है इसलिए पकड़ा दिया। अच्छा अच्छा मैंने भी देखना आया था, गया ना गया, लो मैं भी चल बैठ के। बैठ जाओ भाई साहब, चाय वाय पी के जाइयो। ना ना बस मुझे भी वो आपकी बहन को लेके जाना है ना, मैं जाऊंगा। चल ठीक है जी। अरे अमित भाई आज यहाँ कैसे? अरे यार वो मुकेश अपनी ससुराल गया था और उसका पानी चलना था, मैंने कहा मैं ही चला दूँ। भाई दोस्ती हो तो तुम्हारे जैसी, तुम दोनों दोस्त एक दूसरे के काम आ जाते हो, नहीं तो आज के टाइम में भाई भाई के काम ना आता। जब ही तो दोस्ती का रिश्ता सबसे मजबूत बताया गया भाई। अच्छा ठीक है फिर, मैं अभी अपना काम देखूँ। चल दिया दिखे? हाँ चल दिया। अरे लड्डू ले आइए। ओ लड्डू मैं लाऊंगा के, वहाँ तार है उससे बच के रहिए। अच्छा संभल के जाइए भाई। ठीक है। अरे क्या हो गया, कैसे मुँह लटका के बैठी? अजी वो मेरा हार था वो ना मिल रहा। हार कहाँ धरा था वो? यही धरा था मैंने तो। मालती चाची तो ना आई थी? मालती चाची तो ना आई, वे आए मुकेश भाई साहब। मुकेश आया था, कहने के चाह रही है तू? मैं ये कहना चाह रही हूँ जब वे आए थे जब तक मुन्ने के हाथ में हार था और उन्होंने गोदी में लिया, उसके बाद हार नहीं है। बकवास मत करे, तुझे पता भी क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो रहा दिखे। हाँ तो मैं कौन सा उन्हें चोर कह रही हूँ, मैं तो यूँ कह रही हूँ जब से वे आए थे तब से ही हार गायब है। मुकेश मेरा दोस्त है और वो ऐसा कभी ना कर सकता, समझ गई तू? पूछने में कोई हर्ज है क्या? पूछने से कुछ बिगड़ जाएगा? और तुम से ना पूछी जा रही तो मेरा नाम लेके पूछ लियो, पूछने से कौन सा हम उन्हें चोर कह रहे हैं? खुद यहीं कहीं रख के भूल गई होगी और उसका नाम लगा रही, दिमाग से काम कर लेकर कभी, यहीं देख। अमित, अमित कहाँ भाभी? यही है भाई साहब, अंदर ही है। अच्छा ये लो मिठाई, वहाँ गए थे ना जन्मदिन में, मिठाई लाया हूँ। थारी कैसे तबीयत सी खराब हो रही है? तबीयत तो ठीक है भाई साहब, एक बात पूछनी थी। पूछू क्या? हाँ हाँ पूछो ना। वो भाई साहब आप उस दिन आए थे मुन्ने के हाथ में हार था, और उस दिन के बाद मिल नहीं रहा वो, आप तो ना लेंगे? हाँ भाभी मैं ले गया था ना, वह तेरी भाण जन्मदिन में जा रही थी ना, उसके लग रही थी कि मैं हार पहन के जाऊंगी, हार पहन के जाऊंगी। अब तो मैं तो पता उस पे हार है नहीं और थारे पे है, तो मैं थारे वाला हार लेने आया था और वो मुन्ने पे मिल गया, मैं बूझना भी भूल गया। बताओ इतनी बड़ी बात और मैं बूझना भूल गया, मैं भी कितना पागल हूँ। मैं मेरे पे धरा वो ले रही है, मैं ला के दूंगा अभी, ठीक है ना? मैं लाऊंगा अभी। अरे मुकेश कहाँ चल दिया? अरे यार पराठे बनवा रहा हूँ, दोनों भाई बैठ के पराठे खाएंगे, आ जा। अरे भाई एक काम याद आ गया, बस मैं अभी आया। अरे यार इस आदमी को पता ना भैया, बड़ा दोस्त दोस्त कर रहे थे, बड़ी दोस्ती की गवाही दे रहे थे। मैं नहीं कह रही थी पूछ लो, मैं ना पूछती तो वो बताता भी नहीं। अरे तो उसने बता तो दी, वो कौन सा मना कर रहा है? मना तो ना कर रहा था, अगर मुझसे पूछ के ले जाता तो मैं कौन सा मना कर देती? बिना पूछे ले जाना तो चोरी हुई ना। चोरी कैसे हो गई, ले गया तो ले जान दे, मैं भी तो उसके घर से 50 चीजें बिना पूछे लिया हूँ, और उसका हार हो चाहे मेरा हार हो एक ही तो बात है, ले ही तो गया दे जाएगा, कौन सा वो उसे रख रहा है? तुम्हारी समझ में ना आने की है, तुम्हारी आंखों पे तो यारी की पट्टी बंध रही है, और जिस दिन कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा ना उस दिन पता लग जाएगी तुम्हें। अब कहाँ चल दिए, रोटी तो खा लो। तू खिला रही है रोटी, तुझे तो और बातों में ही फुर्सत ना। अरे कहाँ गई? हाँ भाई अरे कहाँ बढ़ गई? हाँ क्या हुआ, यही तो हूँ। हाँ तो एक काम कर, अपनी चैन और मेरी पासबुक लेके आ जा। क्या हुआ बात तो बताओ। अरे कोई काम होगा जब तो मंगा रहा हूँ, जल्दी लेके आ। ठीक। सेठ जी राम राम। राम राम भाई, बैठिए। हाँ जी बताइए। सेठ जी
कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी और हम एक हार लेके गए थे आप। जी जी जी, अगर आपको याद हो। याद है मुझे। तो ऐसा हार चाहिए मुझे। बन जाएगा भाई साहब। बन जाएगा जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक तो मैं चैन लाया हूँ जी, देखिए। अच्छा जी। इसे देख लो एक बार, ये भी वैसे आपके हक की है। जी जी जी, हमारे यहाँ की चैन है, पहचान है, हमें मोहर लगी हुई है। हाँ जी हाँ जी, देखियो। ये चैन 8 ग्राम 3 रत्ती की है भाई साहब जी, और जो सेट है वो 2.5 तोले का बनेगा। अच्छा जी। हाँ जी, तो बता दो जरा। 16 ग्राम 700 मिली का आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? आज का जो भाव है वो 60,000 रुपए का है तोला। ₹1,12,000 देने पड़ेंगे। 1,12,000। हाँ जी, ठीक है जी। तो आज मिल जाएगा ये? नहीं, आज नहीं मिलेगा, इसका आपको कल शाम तक हम दे देंगे तैयार करा के। ठीक है सेठ जी, करा दो, बाकी पैसे मैं लेके आ रहा हूँ, थोड़ी देर में जमा करा। ठीक है सर, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, नमस्कार। सुनो जी, मैं यूँ कह रही थी, वो हार की कह के गए थे लाए ना आप तक। अरे तो आ जाएगा, इसमें कौन सी बात है। अमित ले आ गया। अरे मुकेश आ जा, भी रोटी खा ले। हाँ, कर रोटी भी खाऊंगा भाई। कहाँ था, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया यार। अरे यार बस कुछ मत पूछ, मैं बिजी सा हो रहा था, कि भाभी का हार लाया हूँ। सही दे दे, यही ज़्यादा परेशान हो रही थी। हाँ ले भाभी ले। खा भी, बस वो चावल और बना रखे। अरे तू अभी तक आटा ही छान नहीं है, 2 पराठे घेर दे जल्दी, मैं लेट हो रहा हूँ। बना तो रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। मना करी थी ना, मत पूछा उससे। तो मुझे कौन सा पता था कि इसमें गिर गया। तुमने मेरे दोस्त से मुझे नजरें मिलाने लायक ना छोड़ा, अब किस मुंह से जाऊंगा मैं उसके पास।